के बाद आपको एक बार फिर से स्वागत और अब बात करेंगे टारगेट 164 की। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कमल मोरारका को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल जमींदारा पार्टी के दो विधायक गुरुवार दोपहर अजमेर रोड स्थित भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी शिविर में पहुंच गई। जमींदारा पार्टी विधायक कामिनी जिंदल और सोनादेवी बावरी भाजपा विधायकों के साथ अब बाड़ाबंदी में ही रहेंगे। कांग्रेस खेमे के लिए यह झटका इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के मैनेजर जमींदारा पार्टी की दोनों विधायकों को अपने खेमे में लेने का प्रयास कर रहे थे। जमींदारा पार्टी के समर्थन में आने की आखिर वजह क्या है, उसके लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। राज्यसभा के लिए राजस्थान की चार सीटों पर 11 जून को चुनाव होना है। इससे पहले भाजपा आलाकमान ने सभी 164 विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी। हालांकि कई विधायक इस बाड़ाबंदी से दूर हैं, लेकिन जो बाड़े में हैं, वो पूरी तरह से नजरबंद है। लेकिन खास बात इस शिविर की ये है कि जमींदारा पार्टी की दो विधायकों का भाजपा को समर्थन मिल गया है और इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में जमींदारा पार्टी के संस्थापक बीडी अग्रवाल के खिलाफ दर्ज एक मामले में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद जमींदारा पार्टी का भाजपा के प्रति रुख ही बदल गया था और जमींदारा पार्टी की दोनों विधायक कामिनी जिंदल और सोना देवी बावरी भाजपा के बाड़ाबंदी शिविर में जा पहुंची। वही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ही उसे करारा झटका लग गया है। कांग्रेसी खेमा लगातार दोनों विधायकों के संपर्क में था और कांग्रेसी इन्हें खुद के पाले में ही मानकर चल रहे थे। कांग्रेस ने गुरुवार शाम 7 बजे राज्यसभा चुनावों की रणनीति तय करने के लिए नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के घर विधायक दल की बैठक भी बुलाई, लेकिन इस रणनीति से पहले ही जमींदारा पार्टी की तरफ से उन्हें झटका लग गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जमींदारा पार्टी के दोनों विधायकों कामिनी जिंदल और सोना देवी बाबरी को भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी शिविर में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। शिविर में दोनों विधायकों को मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठने की जगह दी गई। मंच पर मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के चारों उम्मीदवार और चुनिंदा वरिष्ठ नेताओं के लिए ही जगह है और वहाँ पर इन्हें बैठने का मौका दिया गया। तो वही भाजपा एक और निर्दलीय महिला विधायक को अपने खेमे में लेने के प्रयास में जुटा हुआ है और ये निर्दलीय महिला विधायक अभी कांग्रेस के खेमे में है। यानी भाजपा अपने टारगेट 164 में पुरजोर से लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कमल मुरारका को कांग्रेस से सिर्फ 24 विधायकों का ही समर्थन है और बसपा के 3 विधायकों का, लेकिन एक विधायक जेल में है। इसके अलावा भाजपा के 4 और निर्दलीय विधायक राजकुमार शर्मा, हनुमान बेनीवाल और अंजू धान का भी समर्थन में है। ये समर्थन पुख्ता तौर पर जारी रहता है तो 33 विधायक ही होते हैं, जबकि जीत के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। 33 का आंकड़ा भी तब होता है जब जेल में बंद बनवारी लाल कुशवाहा को वोट देने की इजाजत मिल जाए। अब कल ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का मिशन 41 पूरा होता है या भाजपा का टारगेट 164। वेस्ट इंडिया के लिए जयपुर से गोवर्धन की रिपोर्ट। पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। लाल सिंह, यहाँ पर कांग्रेस जहां पर सेंधमारी की कोशिश में थी, लेकिन वो तो खुद भाजपा की बाड़ेबंदी में पहुंच गई है। अब मिशन 41 जो है कांग्रेस के लिए, क्या वाकई मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पूनम, राज्यसभा चुनाव में जिस वक्त कांग्रेस ने तय किया कि वो निर्दलीय पर अपना दाव खेलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया था खुद का प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी, उसको पहले ही पता कि हार की जो आशंका है वो ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने एक सियासी गलियारे में, जिसे कहते हैं, रणनीतिक चाल चली कि हार मतलब चित्त भी अपनी पट भी अपना। अगर हार जाते हैं तो उसका ठेका, क्योंकि निर्दलीय को मैदान उतारा उस पर रहेगा, लेकिन अगर जीत जाती है तो कांग्रेस इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी। लेकिन जिस तरह की रणनीति इसको लेकर चल रही थी पूनम, और उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जो मोरारका कैंप है वो कहीं ना कहीं कमल कैंप में सेंध लगा सकता है और कहीं विशेषकर भाजपा के कुछ विधायकों को तोड़ सकता है, और निर्दलीयों पर विशेष नज़र है, और जो 4 विधायक थे उनको लेकर कहीं ना कहीं शंका पार्टी को भी थी। और आलम यह हुआ कि
इतनी बड़ी पार्टी को जिसके पास 164 विधायकों का स्पष्ट बहुमत है, संख्या बल की हम बात करें तो पूरी तरह से भाजपा की जीत साफ नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने 3 दिन के लिए सरकार को एक बाड़े में बंद कर दिया। 3 दिन तक आपके तमाम मंत्री विधायक किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। आलम यह रहा कि आपके जो प्रचार प्रत्याशी उनको भी आपको यहाँ बुलाना पड़ा, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को आना पड़ा, ओम प्रकाश माथुर को आना पड़ा, हर्षवर्धन को आना पड़ा और रामकुमार वर्मा को वहाँ मौजूद होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है पूनम की खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इसकी कमान संभालनी पड़ी, यानी कि इसको देखकर मैं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए कोई बहुमत था, समर्थन यहाँ पर पूरे तरीके से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर भाजपा को डर भी था कि यहाँ पर सेंधमारी हो सकती है और इसीलिए यहाँ पर उन्हें जेल की तरह कैद कर लिया गया, बिग बॉस का हाउस यहाँ पर बना दिया गया। देखिए बिल्कुल पूनम, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह संख्या बल उनके पास पर्याप्त था, जीत लगभग भाजपा की तय मानी जा रही है चारों प्रत्याशियों की, इसके बावजूद आप जिस तरह बाड़ाबंदी की जा रही है, यानी कि आपको अपनी पार्टी के विधायकों पर इतना भी विश्वास नहीं है कि आपने मोबाइल तक उनके जब्त कर लिए हैं, जैमर वहाँ लगा दिया गया है। इसके बाद भी पूनम एक बात और हम शेयर करना चाहते हैं कि भले ही दो जो पार्टी जमींदारा पार्टी के लोग आ गए हों, कमल कैंप की कमर तोड़ने में भले ही भाजपा कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की अभी शंका दूर नहीं हुई है और वो कहीं ना कहीं अपने कमोवेश 11 विधायकों को लेकर आज भी शंका में है। उसको 11 विधायकों पर आज विशेष फोकस करना पड़ रहा है, विशेष रणनीति बनानी पड़ रही है, अपने विश्वसनीय मंत्रियों के साथ पार्टी पदाधिकारियों को लेकर एक विशेष उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उन पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत हो गई है, वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, किसी भी कड़ी को कमजोर नहीं देखना चाहती और यही वजह है पूनम कि आज भी भाजपा की जो बाड़ेबंदी जारी है और 11 तारीख तक जारी रहेगी। कोई वाहन मंत्रियों के पास नहीं छोड़ा गया है, मोबाइल नहीं छोड़ा गया, उनके सचिव से कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल, आज इसका दूसरा दिन भी है, लेकिन वाकई हैरान करने वाली जो तस्वीरें वहां के अंदर होटल से सामने आई, जब उस शिविर में खुद दो विधायक जो हैं जमींदारा पार्टी की पहुंच गई, कामिनी जिंदल, सोनादेवी बावरी जो है वहां पर पहुंच गई। लेकिन हैरानी करने की बात यह थी, कांग्रेस भी इसे शायद पचा नहीं पा रही है कि वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया, उनका स्वागत ऐसे किया गया मंच पर जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बैठे थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे और वहीं पर उनको बिठाया गया, ये चीज समझ नहीं आ पाई। देखिए पूनम, इसको थोड़ा सा यूँ समझ सकते हैं कि राजनीति जो होती है उसका कभी कोई फिक्स नहीं होता। एक कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, स्थायी मित्र नहीं होता, क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, पूरी तरह से प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की धाप पर है, इसलिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और जैसे आज जब दो विधायक जमींदारा पार्टी के पहुंचे तो निश्चित रूप से भाजपा की बाँचें खिल गई, और चूंकि वो दो इस मौके पर जहाँ बिल्कुल एक तरह सियासी घमासान मचा हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक मत कीमती हो, अगर एक मत भी चला जाता है तो निश्चित रूप से उनका 4 का आंकड़ा घट जाएगा। ऐसे में अगर दो लोग वहां मिलकर आते हैं, वो भी जमींदारा पार्टी जिसको मोरारका कैंप में माना जा रहा था, और आज सियासी गलियारों में इस तरह के पूरी तरह दाब पे चले जा रहे हैं कि किस तरह सेंध लगाई जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर सक्सेस होती है, सफल होती है सेंध लगाने में, तो निश्चित रूप से खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। 164 से 166 यहां पर उनके पास जो है बहुमत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर उनको डर भी है और इसीलिए यहां पर बाड़ेबंदी कर दी गई, जिसको ये साफ इनकार कर रहे हैं कि यहां पर बाड़ेबंदी नहीं हो रही है, स्पेशल ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की रणनीति की अब बात की जाए, क्या समझा क्या जाए, क्या उनके लिए मुश्किल आन पड़ी है, मोरारका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, या अभी भी वो एक रणनीति में जुटे हुए हैं, उसका गणित कैसे समझा जाए? देखिए जहाँ तक गणित का सवाल है तो दो बातें होती हैं। पहली बात तो राजनीति में कभी कोई आप दावा नहीं कर सकते किस चीज़ का, ये संभावनाओं और आशंकाओं से हमेशा घिरा रहता है ये क्षेत्र, विशेषकर राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है। आप बात कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, आप ये विशेषकर प्रशिक्षण की बात हम करें, क्या पूनम प्रशिक्षण के दौरान जैमर लगाया जाता है, क्या किसी प्रशिक्षण को लेकर मोबाइल जब्त किए जाते हैं, क्या किसी प्रशिक्षण को लेकर आप सरकार के तमाम मंत्रियों का जनता से संपर्क काट दें, अधिकारियों से संपर्क काट दें, 4 दिन तक पूरी व्यवस्था को ठप करने की स्थिति में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता। इससे इनकार नहीं कर सकते कि यह प्रशिक्षण के नाम पर शुद्ध बाड़ाबंदी है जो भारतीय जनता पार्टी ने की है। उनको कहीं ना कहीं डर और शंका है कि कोई विधायक कहीं टूट ना जाए, हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार नहीं बन जाए। अब हम बात करते हैं कमल मोरारका की, क्या आने वाली रणनीति हो सकती है, कांग्रेस क्या रणनीति इसमें कर सकती है। पूनम देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने कही एक झटके वाली जो बात हुई है, निश्चित रूप से आज के सिनेरियो में लग रहा है कि बड़ा झटका है, लेकिन उनको खोना कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। कमल मोरारका के साथ एक बड़ी बात यह जुड़ी हुई है पूनम कि कांग्रेस को सिर्फ पाना है, अगर जीत होती है तो खोना कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो कमल मोरारका के पास कुछ खोने के लिए है, ना कांग्रेस के पास फिलहाल प्रदेश में कुछ खोने के लिए। तो ऐसे हालात में ये तो सही है कि कहीं ना कहीं कमल मोरारका को खड़ा करके आपने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली कि पूरी सरकार को आपने एक बाड़े में बंद कर दिया, पूरी सरकार को बाध्य होना पड़ा एक होटल में 3 दिन के ठहरने के लिए, प्रदेश की मुखिया को वहां रोना पड़ा, आपके तमाम वहां कवायद करनी पड़ी, पूरी मशीनरी आपको सत्ता और संगठन की वहां लगानी पड़ी, यानी कि ये रणनीतिक जीत
गई है कांग्रेस और मोरवारका की। जहाँ तक बात है, देखिए जीत का अंतर जहाँ तक बात करें पूनम, तो लगता नहीं कोई संभावना ऐसी बची है कि कमल मोरवारका कहीं कोई ऐसा जादू कर दे या कोई। लेकिन अगर मैदान में हम कूदे हैं तो जीत की जो तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए और इसी की कोशिश में यहाँ पर अब रणनीति यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कल देखने वाली बात होगी, तस्वीर जो है वो कल सामने आएगी कि मिशन 41 या फिर टारगेट 164। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए लाल सिंह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।